Now, what do you mean by electron gain enthalpy? होता कुछ यूं है कि जितने भी non metal होते हैं, specially हम लोग बात करते हैं यहाँ पर halogens की, तो halogens की खास बात ये होती है कि halogen electron के भूखे होते हैं, ये एक electron को gain करने के लिए energy को release करते हैं ताकि वो x minus में convert हो जाएं। भाई साहब, ये एक electron को gain करने के लिए energy तक release कर डालते हैं, इसी energy को हम लोग क्या बोलते हैं, electron gain enthalpy कहते हैं। अब आप मेरी बात सुनो, धंधा भाई अच्छा है जिसमें इनपुट कम से कम हो और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो। अरे समझ में, इनपुट कम से कम और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा। जैसे आपने नारियल के पेड़ से नारियल तोड़े और उसको बेच दिए, अब आपने क्या किया, आपने तोड़ा, तोड़ने में आप लोगों को एनर्जी लगी, पैसा तो नहीं लगा, ठीक है, बट उसको बेचा 40 रुपए 50 रुपए में पर पीस, तो आपने अच्छा खासा कमाया। तो आपका इनपुट बहुत कम है, आउटपुट बहुत अच्छा है। सो आप क्या चाहते हो, आप जरा सोचो, आयनिक बॉन्ड कहां अच्छा बनेगा, जहां पर आउटपुट अच्छा आए। तो बेसिकली यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो आउटपुट निकल रहा है, जो एनर्जी निकल रही है, वो हाई होनी चाहिए। आ गया समझ में?